अलकुमर्स आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया के बारे में टॉर्क तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे सो वॉट इज़ मेन बाई टर्म इनर्शिया इनर्शिया इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ठीक है कि इनर्शिया um, वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि जब वो रेस्ट में हो तो वो मूव नहीं करता बिकॉज ऑफ इनर्शिया मतलब ए एक ऑब्जेक्ट अपनी एक प्रॉपर्टी की वजह से अपनी पोजीशन को बरकरार रखता है चाहे वो उस पोजिशन रेस्ट की है या मूविंग पोजीशन है अगर वो उसको बरकरार रखता है तो वो है बिकॉज ऑफ़ इनर्शिया जैसे अगर एक एप्पल है तो वो एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है तो वहीं पर पड़ा रहेगा तो वो वहीं पर तो क्यों पड़ा हुआ है बिकॉज उस अपनी इनर्शिया की वजह से उसने अपनी पोजीशन को मेंटेन किया हुआ है जो ही आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो अगर वो फ़ोर्स उस एप्पल के इनर्शिया से ज़्यादा है तो एप्पल की पोजीशन चेंज हो जाएगी लेकिन अगर वो फ़ोर्स एप्पल के इनर्शिया के अकॉर्डिंग नहीं है उससे कम है तो एप्पल की पोजीशन चेंज नहीं होगी ठीक है इनर्शिया जो है प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट्स की जिसकी वजह से वो अपनी पोजिशन को अपनी स्टेट को दैट इज़ स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखते हैं ठीक है इनर्शिया जो है वो किस प्रॉपर्टी की वजह से आता है इनर्शिया बॉडी का मास होता है एक एक ऑब्जेक्ट जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज करना मुश्किल होगा लाइक अगर एक ट्रक है तो ट्रक खड़ा है उसका मास ज़्यादा है तो उसको मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी मतलब उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा है और अगर वो मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी क्योंकि उसकी स्टेट ऑफ मोशन क्योंकि भी वो जो स्टेट है उसकी वो मोशन में है और उसको उसको स्टॉप कर, कर, करना मतलब उसको ज़्यादा इनर्शिया उसका ज़्यादा इनर्शिया है ठीक है तो इनर्शिया इज़ अ प्रॉपर्टी मास इनर्शिया जो है वो ऑब्जेक्ट्स के मास के साथ डील करता है ठीक है इट इज़ ईजियर देखें जैसे यहाँ पर उसने बताया हुआ है इट इज़ ईजियर टू थ्रो स्मॉल स्टोन एज़ कम्पेयर टू हैवियर वन क्योंकि हैवियर वन का इनर्शिया ज़्यादा होता है तो उसका उसको मूव uh, करना उसके स्टेट को चेंज करना मुश्किल Because heavy one has more mass, therefore it resists more since inertia is property of the mass. ठीक है अब रोटेशनल मोशन में अब देखिए यहाँ पे क्या वर्ड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया मतलब कि अगर एक एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसकी रोटेशन में कितनी रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है उसे हम कहते हैं रोटेशनल इनर्शिया ठीक है तो रोटेशनल um, मोशन में क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ये वो प्रॉपर्टी है वे द बॉडी रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेटरी मोशन मतलब अगर एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब है अगर एक बॉडी रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसकी मोशन को चेंज आ, करने में जितनी तो रेजिस्टेंस वो ऑफर करती है उसे हम मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया कहते हैं मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है वो बहुत तेज़ी से रोटेट कर रहा है तो और वो अपनी रोटेशन को स्टॉप नहीं कर आपने बाहर से फोर्स अप्लाई किया लेकिन वो अपनी रोटेशन को स्टॉप नहीं कर रहा क्योंकि आपके फोर्स सफिशेंट नहीं है उस रोटेशन के अकॉर्डिंग तो उसका हम कहते हैं उसका मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया ज़्यादा है और अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा और तो वो बहुत स्लोली स्लोली रोटेट कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या उसका मास ऐसा है मतलब ऑब्जेक्ट की अपनी फिजिक होती है ना उसके मासज़ बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं बड़े ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना होता है छोटे ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना होता है तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो कि रोटेट है अगर आप उसे ईजिली स्लो डाउन करवा सकते हैं ईजिली उस, उसकी स्टेट ऑफ रोटेशन को चेंज करवा सकते हैं तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है लेकिन अगर आप उसकी स्टेट ऑफ रोटेशन को जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के स्टॉप करते हैं तो हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो जैसे देखें आप यहाँ पे उसने बताया हुआ है बाइक व्हील के बारे में इफ़ यू हैव एवर ऑलरेडी द बाइक व्हील व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन द बाइक व्हील एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ प्रोड्यूस द ग्रेटर जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा द मोर मैसे अगर व्हील जो है वो बहुत ज़्यादा मैसिव होगा तो उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन स्मॉल होगा और अगर व्हील जो है वो हल्का होगा तो उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा ठीक है तो इफ़ यू पुश ऑन स्पाइक क्लोजर टू द एक्सेल द एंगुलर एक्सलेशन विल बी स्मॉलर ठीक है क्लोजर टू एक्सेल ये देखें ये जो इस लड़की ने ये जो आ, एक अपने हाथ में एक पकड़ा हुआ सा है डंडा सा कह लें वो पकड़ा हुआ तो, आ, है तो ये एक्सेल है बेसिकली एक्सेल वो जगह होती है जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके क्रॉस कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है स्टिक कह लेना स्टिक किसने पकड़ी हुई है तो स्टिक इज द एक्स ऑफ रोटेशन ऑफ द वी ठीक है एक्सप्लेनेशन या इफ़ यू एक्जैट अ फोर्स अब हम हमने मैं, मैं आपको बता दिया वट इज़ मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इफ़ टेक अ फोर्स हैव ऑन अ पॉइंट मार्स एम दर इज अ डिस्टेंस आर फ्राम द एक्ल ठीक है एग्जल इज़ अ स्टिक ओके एंड और ये जो हैंड्स हैं यहाँ पे ये लड़की के जो हैंड्स हैंड् वहाँ पर एक्चुअली फोर्स अप्लाई हो रही है तो uh, ये जो सेंटर आपको व्हील का सेंटर नजर आ रहा होगा यहाँ से लेकर ये देखें ये व्हील का सेंटर है जो दो छोटे छोटे सर्कल्स नजर आ रहे हैं ये व्हील का सेंटर है है तो सेंटर से लेके लड़की के हैंड तक का जो डिस्टेंस है वो आ, आर है और लड़की ने जो हैंड्स के जो फोर्स है वो डाउन वो डायरेक्शन दिस इज आर दिस इज आर दिस इज आर एंड राइट वर्ड एरो इज़ आर एंड डाउन एरो इज़ एफ ओके तो टॉर्क आपको पता है कि दिस दिस टाइप ऑफ फोर्स प्रोड्यूस अ टॉर्क तो टॉर्क इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ़ क्रॉस साइन को ख़त्म करेंगे तो साइन थीटा लगा देंगे और आपको पता है कि टॉर्क मैक्सिमम होगा जब थीटा नाइन्टी होता है ठीक है तो यहाँ पे थीटा नाइनटी पुट किया तो आपके पास टॉर्क सिंपल आर एफ़ के इक्वल आ गया फिर क्या हुआ अब एफ़ हमें पता है कि एफ किस चीज़ के इक्वल होता है एम ए की इक्वल होता है और रोटेशन एक्सेलरेशन क्योंकि रोटेशनल मोशन हो तो हम रोटेशन एक्सेलरेशन लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू आर एल्फा अच्छा जी तो सबसे पहले आप ये जो एफ़ है ना एफ़ में आप एम ए की वैल्यू पुट कर दें तो आर एम ए तो इसको सॉल्व करते हैं एम आर स्क्वायर आज अच्छा जी एम ये तो आ गया इसके देखो सिंपल सी बात ये कि एम ये टार्क इज़ इक्वल टू आर एफ वाले फार्मूले में एफ़ की जगह आपने एम ए पुट कर दिया और जब ए आ गया तो ए की जगह आपने ये आर अल्फा वाला एक्सप्रेशन इसके अंदर पुट कर दिया तो आपके पास ये आ गया ठीक है दिस इज़ अ दिस इज़ अ टार्क इन एंगुलर एक्सप्रेशन ठीक है लीनियर एक्सप्रेशन में लीनियर जो बॉडीज़ होती हैं मतलब कि लीनियर मोशन परफॉर्म हो तो उसमें टॉर्क आर एफ साइंस थीटा होता है लेकिन एंगुलर या रोटेशनल टॉर्क जो है वो एम आर स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है ठीक है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेशनल द प्रोडक्ट ऑफ मास द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉडी विथ of ऑफ the, the distance uh, from द axis ऑफ रोटेशन ठीक है तो अब जो moment ऑफ inertia को हम आई से शो करते हैं moment ऑफ inertia का फिजिकली आपको मतलब पता चल गया है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी रोटेशन को चेंज करने में जितनी resistance ऑफर करता है उसे हम मोमेंट ऑफ़ inertia कहते हैं ज़्यादा resistance ऑफर करेगा अपनी रोटेशन को चेंज करने में तो ज़्यादा मोमेंट ऑफ एनर्जिया कम करेगा तो कम तो moment ऑफ़ inertia को हम आई से शो करते हैं और आई जो है ये तो मैंने बता दिया है इन केस ऑफ रिजिड बॉडी रिजिट बॉडी का मतलब होता है, ये, ये आपको एक रिजिट बॉडी शो की ये वाली ठीक है मतलब कि इसमें एक मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो, तो हमने ना इसके डिफरेंट uh, पॉइंट्स ले लिए जैसे हमने मास एम वन ले लिया एम टू एम थ्री ले लिया इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एम वन का आर वन है एम टू का आर टू है एम थ्री का आर थ्री है एम फोर का आर फोर है एम फाइव का एम आर फाइव है एम एन का आर एन होगा मतलब कि डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं ना मास डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसका डिस्टेंस फ्राम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो आर है ठीक है आर आर मतलब मासेज के लिहाज से चेंज होता है इसका डिस्टेंस ठीक तो है रिजेड बॉडी एस वी डिवाइड द होल बॉडी इन नंबर ऑफ स्मॉल

बॉडी है लाइक एक ले लिया है कुछ इस तरह तो उसका मोमेंट ऑफ नेशन सिंपल आई इज इक्वल टू एम आर स्केर होता है ठीक है अब अपने मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया इन ऑब्जेक्ट्स के याद रखने हैं मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर इतना होता है एम आर स्केयर मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज हाफ एम आर स्केयर अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें ना तो सॉलिड वाले का सॉलिड सिलेंडर का हाफ एम आर स्केयर है जबकि थिन वाल सिलेंडर का एम आर स्केयर है तो हाफ कम होता है ठीक है तो इसका मतलब है कि जो सॉलिड सिलेंडर है उ, उसको रोटेट करना या उसकी रोटेशन को स्टॉप करना ईजी है क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है एज कम्पेयर टू मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ठीक है क्योंकि इसका दूसरे वाले का हाफ है पहले वाले का वन है तो वन जो है ना थिन वॉल सिलेंडर उसको उसको रोटेशन देना या उसकी स्टेट ऑफ रोटेशन को स्टॉप करना मुश्किल है एज कम्पेयर टू सिलेंडर ओके टू दिस सॉलिड सिलेंडर इसके अलावा फिर ये क्या है हमारे पास दिस इज़ आलसो आर डिस्क डिस का मूवमेंट ऑफ इन एशिया ये प्रॉपर मैथड होता है इसको फाइंड आउट करने का लेकिन क्योंकि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ सो वी विल नॉट डू एनी मैथेमेटिक्स वी जस्ट मेमराइज दिसज फार्मूलाज ओके दैन मोमेंट ऑफ इन एशिया फॉर स्टॉलर्स फिर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू मेमराइज दिस एंड दिस इज़ मोमेंट ऑफ इन एशिया फॉर मीटर स्टिक एंड रेक्टेंगुलर प्लेट ओके यू हैव टू मेमोराइज आल दिसज मूमेंट ऑफ इन एशिया दिस इज़ वेरी इम्पोटेंट टॉपिक थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो